नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। दोस्तों तो हम अभी बता दें कि थोड़ी देर पहले ही जो है जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, एक सम्मेलन हुआ, 19वें वर्षगांठ मनाया गया और इस जगह जो है 140 लोगों की कमेटी गठन की गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 140 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है उनका एक सदस्य जो है अभी अभी कमेटी में होने के बावजूद वो कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल जो है जयगांव टुडे को यहाँ लाया है और वो जो है अपना जो इस्तीफा है जयगांव टुडे के सामने पेश करने जा रहे हैं, वो होते हैं और वो कमेटी से अपना रिजाइन दे रहे हैं। आइए क्या बात है कि अचानक जो है पदाधिकारी का 41 लोगों का जो कमेटी में उन्हें शामिल किया गया था, क्यों वो रिजाइन दे रहे हैं, इस विषय को हम जानकारी लेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए जयगांव टुडे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं शिवजी सिंह जी के पास, जो जो 41 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है उनमें ये भी शामिल है। क्या कारण है कि ये जो है अपने जो 41 लोगों की कमेटी उससे इस्तीफा देने जा रहे हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार अंकल। मैं शिवजी सिंह, मर्चेंट एसोसिएशन का मेम्बर था, लेकिन मैं अभी रिजाइन देने जा रहा हूँ, जिसका कारण है कि आज AGM हुआ। AGM में 41 मेम्बर्स हैं लेकिन 32 अभी एक्टिव हैं और 9 एक्टिव नहीं थे, कोई कहीं बाहर था, बाहर चला गया, कोई यहीं पर है, काम नहीं करने सक रहा है, एक्टिव नहीं है, तो उसमें चेंजिंग हुआ। उसमें चेंजिंग हुआ तो हम 2-3 दिन से पूछ रहे हैं जे 9 आदमी को किसको किसको रखा जा रहा है, तो हमको कोई चीज़ बताया नहीं गया। लेकिन आज हटाक AGM होने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव में हाथ उठाया गया, हाथ से सबको ये पारित कर दिया गया, सबको इलेक्टेड किया गया, लेकिन जो 9 आदमी नया है वो व्यवसायी हैं, हम लोगों का हमारा भाई ही है, कोई गैर नहीं है। लेकिन हमको दुख इसी बात का है कि हम लोगों से कोई राय नहीं लिया गया कि 9 आदमी अगर इसमें फिर चुनाव इसमें एडजस्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो कौन कौन आदमी होगा, ये सब हम लोगों से कोई राय ही नहीं लिया गया। तो ऐसा कमिटी में, ऐसा एसोसिएशन में रहने से क्या फ़ायदा, जब हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं, कोई अगर काम होगा तो नहीं पूछेगा, कोई एसोसिएशन में मेंबर अगर डाला जाएगा तो नहीं पूछेगा, ये तो डिक्टेटरशिप है। तो इस डिक्टेटरशिप से मर्चेंट एसोसिएशन से मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा, आपका जो रिजाइन है वो क्या लिखित में आप भेजेंगे? हाँ, लिखित में भी दे देंगे, हम लिखित में देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लिखित में देंगे हम। अच्छा, आप तो पुराने सदस्य हैं इसमें, तो इस तरह क्या पहले भी इसी तरह होता था कि अभी से ऐसा हो रहा है? हम कम से कम ये एसोसिएशन में 10 साल से करीब हैं, तो होता तो जैसे तैसे होता चलता आ रहा है, लेकिन कुछ कभी कभी एडजस्ट होता था, लेकिन उसको देखते हुए भी हम लोग सोचते हैं चलिए अपना सारा आदमी तो अपना ही है, जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन अब सर से पानी ऊपर चला गया। आज हम बहुत दुखी हुआ कि अगर हम लोगों से अगर काल भी परसों भी एक बार राय लिया जाता जयगांव से कौन कौन आदमी को रखना है, कौन कौन आदमी को नहीं रखना है, 9 आदमी को एक्टिव कौन कौन आदमी है, कौन कौन नहीं है, हमारा ही भाई जो जिसको रखा गया वो लोग हमारा ही भाई, लेकिन एक बार हम लोगों से तो राय तो लेना पड़ेगा ना, हम लोगों को तो मीटिंग तो करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, आप लोगों का क्या विचार है, नहीं विचार है, तो हम लोगों से कुछ राय ही नहीं लिया जाता है, अपना मन से जो करके अपना मन से सब मेंबर बना दिया जाता है, अपना मन से कर लिया जाता है, कोई ये नहीं होता है, यही।